Hello friends, welcome back to study panel. In previous video it was become too lengthy, so we have continue our part 3 in the next video, and we will continue from the where we have stopped. Now we'll see to the third question. Here is a rectangle of area 20 square centimeter. Here we can see we are having a rectangle whose area is 20 square centimeter. Now we'll sort out these three, A, B and C. We'll start it from the A. Draw one straight line in this rectangle to divide it into two equal triangles. Now here we need to draw one straight line. एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है जिससे ये बड़े रेक्टेंगल को हम लोग टू इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सके. लेट अस ड्रॉ. सी, हमने ये स्लैंटिंग लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी है. आप चाहे तो ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक भी ड्रॉ कर सकते हैं. उससे भी जो ये बिग रेक्टेंगल है 20 स्क्वायर वाला, उसको हम टू इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं. हमने इस तरह स्लैंटिंग लाइन बना दिया है. नाउ गो अहेड. व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल? नाउ हियर वी कैन सी दिस स्लैंटिंग लाइन इज डिवाइडिंग दिस 20 स्क्वायर सेंटीमीटर इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सो द एरिया ऑफ दिस टू पार्ट्स विल बी हाफ ऑफ दिस 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. So, ये वाले ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल जो हमारा है उसका एरिया हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसका एरिया भी हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. सी, इफ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो ऑफ पार्ट 3, देन प्लीज यू कैन फाइंड इट हियर द लिंक एंड यू कैन वॉच दैट. अगर जब तक आप वो नहीं देखेंगे तो ये कंटिन्यूएशन में आपको मजा नहीं आएगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक यहाँ पर अवेलेबल है. इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. नाउ वी हैव गॉट द आंसर फॉर दिस वन, दैट द एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल इज 10 square centimeter. If we add the 10 plus 10, so we'll get the area of this full rectangle, that is 20 square centimeter. Now move on to the next one. We'll remove this line. Draw one straight line in this rectangle to divide it into two equal triangles. देखो, एक straight line हमें draw करनी है. और किस तरह से draw करनी है कि ये जो rectangle हमारा होगा उसको हमें जो है दो अलग अलग small rectangles में डिवाइड करना है. तो इस तरह हम लोग ड्रॉ कर देंगे. ये यहां पर बीच में हम लोग अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये दो छोटे छोटे रेक्टेंगल हो गए, है ना. आप चाहे तो यहां पर भी इस तरह से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. हाँ, स्लीपिंग लाइन, ये मैंने स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ किया है. आप चाहे तो यहां पर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करके ये एक छोटा रेक्टेंगल हो जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला भी छोटा रेक्टेंगल हो जाएगा. दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन हमने यहां पर स्टैंडिंग लाइन बनाया है और ये दो छोटे छोटे हमारे रेक्टेंगल्स बन रहे हैं. नाउ सी, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉलर रेक्टेंगल? ऑब्वियसली जब हमने इसको हाफ डिवाइड किया है, हाफ पार्ट यहां पर है, हाफ पार्ट यहां पर है, तो इन दोनों का भी एरिया जो है वो कितना होगा? दिस इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. अगर हम चाहे तो इसको काउंट भी कर सकते, 1 2 3 4 5. This is 1 and 2. 5 2s are 10 square centimeter. Here also it is same. 5 2s are 10 square centimeter. So the area of this two equal triangle is 10 square centimeter. Now we'll solve the third one. C. Draw two straight lines in this rectangle to divide it into one rectangle and two equal triangles. अब हमें यहां पर जो है एक टोटल दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, और वो भी इस तरह ड्रॉ करनी है कि उसमें से हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा और दो इक्वल ट्राइंगल्स मिलेंगे. देखते हैं, ये देखो हमने ड्रॉ कर दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन. हालांकि ये स्लैंटिंग लाइन है, फिर भी ये स्ट्रेट लाइन ही है. आप चाहे तो ये स्ट्रेट लाइन यहां से लेके यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं. हाँ,
कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर ये वाली लेफ्ट साइड ही ड्रॉ करना है, इसको राइट साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सॉरी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज एग्जैक्टली, इसका तो हमने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा कि इसका जो एरिया है कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज 1 एंड 2, 5 2s आर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स, अब ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के रेक्टेंगल को हमने हाफ डिवाइड किया है और दो ट्रायंगल्स बनाए हैं, इसका मतलब ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का ये वाला हाफ पार्ट हो गया, ये वाला हाफ पार्ट हो गया, सो व्हाट इज द हाफ ऑफ दिस 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये जो ट्राइंगल है उसका 5 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल है उसका भी 5 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये जो पूरा एरिया हो जाएगा ये रेक्टेंगल का, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक चीज याद रखिए कि ये जो पूरा बड़ा रेक्टेंगल है हमारा, उसका एरिया अगर आपको याद है तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर था, हम इसको ऐड करके देखते, 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20, इसका मतलब हमारा उसके साथ भी मैच हो रहा है, दैट मींस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। नाउ पजल विथ 5 स्क्वायर, मेजर द साइड ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वेयर्ड पेपर ऑफ पेज नंबर 45 एंड मेक एज मेनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 सच स्क्वायर्स, 3 आर ड्रॉन फॉर यू। देखो अब हमें ऐसे 5 स्क्वायर, 5 छोटे छोटे स्क्वायर यूज करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहां पर तीन शेप्स उन्होंने हमारे लिए बना के दिखाए है, हमें सिर्फ 5 स्क्वायर्स को यूज करके अलग अलग शेप्स बनाने हैं, क्लोज्ड शेप बनाने हैं, और हम कितने शेप्स बना पाएंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। पहले आप लोग अपने तरीके से अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 45 पे उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, आप यहां पर वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप पहले कितने 5 स्क्वायर्स वाले शेप्स अलग अलग बना सकते हैं। देखो ये तीन तो बनाए तो इसको रिपीट नहीं करना है, अलग ही बनाना है आपको, ठीक है, तो आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए और आप पता कीजिए कि आप कितने बना सकते हैं, यहां पर वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। नाउ बनाने के बाद देखेंगे हम लोग ये, यस देखो इतने शेप्स बनते हैं, ये शेप्स बनते हैं, सभी का एरिया जो है वो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। नाउ हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ, व्हाट इज द योर आंसर, आप इसको मैच कीजिए इसके साथ, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सो टोटल कितने शेप्स हमने बनाए, 12 स्क्वायर्स, 12 शेप्स, हियर इट इज द 12 शेप। व्हिच शेप हैज द लॉन्गेस्ट पेरिमीटर एंड हाउ मच, देखो सब इसका मतलब हमें सबका पेरिमीटर पता करना पड़ेगा और सबसे लंबा यानी सबसे ज्यादा किसका पेरिमीटर है वो भी हमें पता करना है, तो हम लोग सबका पेरिमीटर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट वन, सबका पेरिमीटर एक साथ आ गया, आप लोग देख सकते हो ये जो बाउंड्री है उसको अगर हम लोग काउंट करेंगे तो सबकी बाउंड्री जो है वो 12 सेंटीमीटर ही है, एक्सेप्ट दिस वन, ये वाला शेप जो है उसकी सिर्फ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आप यहां पर देखिए कंफ्यूज मत होइए, एरिया में हम लोग 10 स्क्वायर सेंटीमीटर या 12 स्क्वायर सेंटीमीटर यूज करते थे जबकि पेरीमीटर में सिर्फ सेंटीमीटर ही यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ ये जो बाउंड्रीज है बॉर्डर्स जो है येलो शेप की वो हमें काउंट करनी है, यहां से अगर ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7, 8, 9 एंड 10, तो इसकी जो बॉर्डर्स है वो 10 सेंटीमीटर ही है, तो सबकी जो है वो बाउंड्री कितनी है, 12 सेंटीमीटर ही है सिर्फ एक शेप को छोड़ के, एंड व्हाट इज दैट शेप, this third number, the perimeter of all shape except figure 3 is 12 centimeter, यानी figure 3 को छोड़ के सबका जो perimeter है वो equal है और वो कितना है, 12 centimeter, तो यहाँ पर हमें ये answer लिखना है। Which shape has the shortest perimeter and how much,
सबसे कम पेरीमीटर कितना है, सबसे छोटा, तो इसका ही है, शेप थ्री का, फिगर थ्री का कितना है, 10 सेंटीमीटर ही है. व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप, डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज सिंपल. ये तो पता होना चाहिए सबको कि ये जो शेप्स है सारे उसका एरिया कितना है, सबका बराबर एरिया है. व्हाट वाज दैट, दैट इज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी सभी शेप्स का एरिया जो है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर ही है. नाउ ये पूरा शेप बनता है, इसको रीड करने की कोशिश करेंगे. ऑल 12 शेप्स आर अरेंज्ड हियर टू मेक अ रेक्टेंगल, दिस इज 10x6 रेक्टेंगल एज देर आर 10 रोज एंड 6 कॉलम्स. ये वाली जो है ना, ये सारी रोज है, ये वाली. सो ये अगर हम काउंट करेंगे तो 10 है हमारे पास, और कॉलम अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 6 है. 1 2 3, दिस इज 1 2 3. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो that there are more than 2000 ways in which these shapes make 10 into 6 rectangles. इसी शेप को अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे 10 into 6, यानी यही बड़े रेक्टेंगल में, तो उसके जो कितने तरीके हैं, 2000 से ज्यादा तरीके हैं. हमें वो सब सीखने हैं या देखने हैं नहीं, फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ ये जो शेप्स बनाए हैं वही बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Try to arrange your 12 shapes in some other way to make 10 into 6 rectangle. Could you do it? यही shapes को हमें अब 10 into 6 वाले rectangle में arrange करना है. देखते हैं. देखो यहाँ पर जो ये आप rows देख रहे हैं, row 6 है हमारे पास. ये first row, second row, third row, fourth, fifth and sixth. Column कितने हैं हमारे पास? 10 columns हैं. वही शेप था लेकिन उसको क्या कर दिया हमने, स्लीपिंग कर दिया, सुला दिया उसको. ठीक है, तो उसके देखो अलग अलग इस तरह से हमने वही सारे शेप्स जो पहले यूज किए थे उसको इस तरीके से अरेंज किया है. यहां पर कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4, दिस इज 5 6 7 8 9, this is 10, this is 11 and this one is 12. तो इस तरह से हम इसको arrange कर सकते हैं 12 shapes को. और एक question है, try another puzzle. You have to make 5 into 12 rectangle with these 12 shapes. अब हमें 5 into 12 rectangle बनाना है, 5 by 12 का rectangle बनाना है, और उसमें ये सेम जो 12 शेप से उसको अरेंज करना है. देर आर मोर देन 1000 वेज टू डू इट, इसके हजार से भी ज्यादा तरीके हैं बनाने के. इफ यू कैन फाइंड इवन वन, दैट इज ग्रेट. अगर हम लोग उसको एक तरीका भी ढूंढ सकते हैं, कोशिश करिए कि आप ये चीज कर सकते हैं कि नहीं. वीडियो को पॉज करके फिर ये वीडियो को कंटिन्यू करके देखिए. देखो ये हो गया, ये हमारा जो है कॉलम जो है 12 हो गया, ये है 5, और यहां पर हमने वो सारे शेप्स अरेंज कर दिए हैं 12 के 12 शेप्स. Like this, we can make it. Thank you so much for watching.